ये बात कर रहे हैं कंप्यूटर लॉग रिकॉर्ड, ये इनके पास 5 महीने था। ये DBPHT रिटर्न का रिजल्ट निकालने से पहले उस लॉग को एक बार चेक कर सकते थे, क्योंकि आप लोगों ने मुद्दा 12 तारीख को ही उठा दिया था। हमारी जो पहली ट्विटर कैंपेन हुई थी जिसमें मिलियन 3 मिलियन UPSI 2021 स्कैम करके, जिसको बोर्ड ने भ्रामक बता दिया था। इसका मतलब कि भर्ती बोर्ड के पास कोई रिजल्ट और इसकी कोई जानकारी नहीं, उनका केवल धृतराष्ट्र वाला रोल था। इसमें लास्ट में जो पीड़ितों के लिए किसके लिए लिखा है आपने? ये जिसको भी हम देंगे उप मुख्यमंत्री या उसमें आपने कहीं भी SIT की जांच क्यों नहीं लिखी? सर SIT की जांच नहीं लिखी, उसके पीछे रीजन सर ये है, सेंट्रल में भी इनकी सरकार है और स्टेट में भी इनकी सरकार है। सर SIT की जांच में सर किसी से क्लियर नहीं हो पाएंगे किसी भी तरीके से। ये आप मेरी बात सुनिए, एक बार सुनो सब लोग, मैंने आपको आके कहा था कि इसमें इन्होंने दो बातें लिखी हैं, NSEIT कंपनी संलिप्त, ठीक है वो राम तो मान नहीं सर, मैं इस मामले में पहले ही लिखा है, नहीं सर मैं कठोर हूँ पूरा, चेंज किया जाएगा कोई दिक्कत नहीं, संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई कठोर कार्रवाई की जाए, बिल्कुल ठीक है। दूसरी लाइन है मांग जो है, परीक्षा परिणाम को निरस्त कर अन्य विश्वसनीय कंपनी के द्वारा जो बच्चा ईमानदारी से कर रहा है उसको जोर पड़ेगा यार, उसने भी तो 8-8 महीने धपाए अपने। अच्छा आप में से कोई बुरा मत मानिएगा, अगर किसी के 90 हो 70 हो 80 हो, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भर्ती में 90-70-80 लाया है अगले 5 महीने वो 140 पे टॉप कर जाएगा। नहीं, तो अभी करना था, 5 साल क्या कर रहे थे? तो अगर आप दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं तो मैं ये मांग चाहता हूँ कि पहले जांच होनी चाहिए। अगर सरकार कहती है, सरकार कहती है कि हाँ भाई 5,000 पे धांधली है, 6,000 पे वो अपने आप ही जांच वो कर देगी, पहले डिमांड जांच नहीं है, पहले डिमांड जो है होनी चाहिए, बाकी बात है। इसको रिप्रेजेंट कराइए और बढ़िया, बोलने की भाषा है वो कमजोर है। देखिए जो साक्ष्य पकड़े गए हैं उन साक्ष्यों का इसमें कहीं जिक्र नहीं है, जितने साक्ष्य जा रहे हैं जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, नहीं साक्ष्य आप और उनको सबको जोड़ के, हमारी एक ही मांग है और कुछ नहीं, भर्ती की निष्पक्ष जांच, SIT से निष्पक्ष जांच करवा दो। अगर भर्ती में धांधली है अपने आप वो गवर्नमेंट अपने आप करवा देगी, हमें कहीं जरूरत नहीं। लेकिन सुनिएगा सब लोग, एक मिनट, मैंने सुबह भी ये बात कही थी एक बच्चे को फोन पे, जो शुभम यहाँ पे लड़का, कौन है शुभम? मैंने सुबह एक बात ये कही थी कि अगर टीचर्स इसमें इन्वॉल्व हुए और हमने इसकी री एग्जाम की मांग कर दी, आप लोगों का सारा पिया करा पानी हो जाएगा। क्योंकि हमें एडमिशन लेना है, आप अपनी बात को समझिए, जो आपका 21 दिन का अभी तक धरना हुआ है, जितने भी दिन चार्ज लगे हैं वो सारा जीरो हो जाएगा आपका। एक बार को ये मांग आप करें बाद में, इतनी धांधली तो वो बात अलग है। अरे रिकॉर्डिंग बंद करो भाई, रिकॉर्ड कर रहे हैं, री एग्जाम की मांग भाई, कैमरा बंद कर दे भाई।